आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज इन क्लास फाइकोमाइसेट्स द मिसेलियम इज ऑप्शन 1 सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट, ऑप्शन 2 सिनोसिटिक एंड सेप्टेट, ऑप्शन 3 यूनिसेलुलर एंड एसेप्टेट एंड ऑप्शन 4 मल्टीन्यूक्लियर एंड सेप्टेट। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो फाइकोमाइसीट्स क्लास है फंजाए की, उसमें जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है। तो अगर हम देखें फाइकोमाइसीट्स क्लास में, तो मेनली जो ये फंजाए की क्लासिफिकेशन है उसमें पहले तो किस बेसिस पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है कि नहीं है, उस बेसिस पे डिवीजन हुआ है। तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है तो वो कौन सी क्लास है, वो है ड्यूट्रोमाइसीट्स। एंड जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है उनको फर्दर डिवाइड किया है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है तो इनको फर्दर कैसे डिवाइड किया है कि वेदर जो माइसीलियम है फंजाए का वो सेप्टेट है, मीन्स उसमें सेप्टेशंस है या नहीं है। तो माइसीलियम इज ईदर सेप्टेट और एसेप्टेट। तो जो एसेप्टेट है जिसमें सेप्टेशंस नहीं है वो उसमें आती है क्लास फाइकोमाइसीट्स, वेर एज सेप्टेट वाले में आएंगी क्लासेस एस्को एंड बेसिडियो, एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियो माइसीट्स। तो अगर हम देखें सेप्टेशन ये सिनोसिटिक एनोल क्या होता है कि जैसे ये अगर फंजाए का ये हाइफी है, तो अगर इसमें यहाँ पे ऐसे सेप्टेशंस हैं विद इन द हाइफी तो ये हो जाएगा सेप्टेट हाइफे, ठीक है। और माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम मींस ये जो हाइफे है इनका मास, तो ये हो गया सेप्टेट। वेर एज ए सेप्टेट में क्या होगा कि कोई सेप्टेशन प्रेजेंट नहीं हो गई, तो ये हो जाएगा एसेप्टेट हाइफे। तो बात करते हैं सिनोसिटिक की, तो सिनोसिटिक मींस मल्टी न्यूक्लियर, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लियर एसेप्टेट हाइफे को भी बोलते हैं, वो इसलिए बिकॉज जैसे अगर हम देखें यहाँ पे जो ये सेप्टेट हाइफे है इसमें क्या होगा, हर ये जो ये सेल है ना, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें सेप्टेट है एंड यूनि न्यूक्लियर है, ठीक है। बट ये जो एसेप्टेट होता है बिकॉज यहाँ पे कोई सेप्टेशंस नहीं है, तो जो सराउंडिंग के न्यूक्लियस है ये सारे इंटरमिक्स्ड होते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं सिनोसिटिक मींस मल्टी न्यूक्लियर। तो अगर हम देखें ये कौन सी क्लास थी हमारी फाइकोमाइसीट्स, इसमें क्या था एसेप्टेट माइसीलियम, इसलिए इसे एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक बोलते हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शंस, तो ऑप्शन 1 में इन्होंने लिखा है कि माइसीलियम इज सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट व्हिच इज राइट। देन ऑप्शन 2 लिखा है कि सिनोसिटिक एंड सेप्टेट व्हिच इज रॉन्ग बिकॉज सेप्टेशंस प्रेजेंट नहीं होती है। देन ऑप्शन 3 लिखा है कि यूनिसेलुलर है एंड एसेप्टेट है व्हिच इज रॉन्ग बिकॉज ये यूनिसेलुलर नहीं होता, इसमें हाइफी प्रेजेंट होता है, हाइफी मल्टीसेलुलर होते हैं। देन ऑप्शन 4 है मल्टी न्यूक्लियर एंड सेप्टेट। तो मल्टी न्यूक्लियर तो होता है, मीन सिनोसिटिक तो होता है, बट ये सेप्टेट नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन 1। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।